हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम 31 रुपए के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और ज़रूर ये शेयर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बढ़िया फ़ायदा भी करवा सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कूमा एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए 31 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है ये शेयर, आज भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 1 साल में आप कितना परसेंट रिटर्न का इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपके लिए कितना बेहतर भी हो सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर पिछले 1 हफ्ते की मैं बात करूँ तो स्कूमा एक्सपोर्ट्स में पिछले 1 हफ्ते में हालांकि ऑलमोस्ट 5% की गिरावट जरूर आई है। 29.90 रुपीज़ तक का लो है और 32.45 रुपीज़ तक का हाई बना है। 1 महीने की अगर हम बात करें तो 1 महीने में 10% की गिरावट आ चुकी है। 29.90 रुपीज़ का लो है और 34.50 रुपीज़ तक का हाई ये बना चुका था। देखिए इस बीच में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन भी देखने को मिली है, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई और यहाँ से अब आज से तेज़ी आई है। 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में 55% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। देखिए 15 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था, 15 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले। ये शेयर 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आप देखिए उस वक्त अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 5वां महीना था, 2018 का 5वां महीना था, तब ये शेयर 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9वें महीने तक 17 रुपये, मतलब इसी बीच उतना ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को नहीं मिली थी, बहुत ही कम था। लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक किया है, जो बाउंस बैक किया है कि शेयर 41 रुपीज़ तक जाके चला गया, 41 रुपीज़ तक चला गया और बहुत ही कम टाइम में 3 या 4 महीनों में ही ये शेयर 19 मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया पैसा, पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया इसने। और अगर पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में स्कूमा एक्सपोर्ट्स में 370% का ग्रोथ है। 5 रुपये तक का लो बनाया और आप देखिए कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था ये 2016 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था। लेकिन उसके बाद बाउंस बैक आया, फिर गिरावट आई, फिर एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी स्कूमा एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 4000% से ज़्यादा का ग्रोथ है। देखिए 1 रुपये से भी कम की वैल्यू थी, 70 पैसे तक का लो बना चुका था ये और 45 रुपीज़ तक का हाई इसने बनाया है। बात करें देखिए माइक्रो कैप स्टॉक है, ऑलमोस्ट 650 करोड़ के आसपास का मार्केट यहाँ कैप है इसका, 90,000 शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में देखने को मिला है। नतीजे देखिए इसके, नतीजे बहुत बढ़िया हैं। दिसंबर 2017 से 2018 की अगर हम बात करें तो तेजी बढ़िया देखने को मिली है। और तो और जो इनके नेट प्रॉफिट, मैं अगर आपको नेट प्रॉफिट की बात करूं तो दिसंबर 2017 में जो सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वो सितंबर 2018 आते आते 11 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 2018 आते आते 11.5 करोड़, मतलब इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया ग्रो कर रहा है। दिसंबर 2017 में जो सिर्फ 0.83 था वो सितंबर 2018 आते आते 2.62 तक चला गया और दिसंबर 2018 आते आते 3.27 तक पहुंच गया। और अब जब मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे और नतीजे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि अच्छे आएंगे, तो वापस से आपको इसके शेयर्स में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और तो और इसके शेयर्स में जो और एक अच्छी बात है वो यह है कि देखिए शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स की होल्डिंग उतनी ही है। दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.97% है। लेकिन अच्छी बात देखिए, दिसंबर 2018 में एफआईएस की होल्डिंग कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब मार्च 2019 में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईएस इसमें एंटर हुआ है, एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया है, 0.33% की होल्डिंग एफआईएस की इसमें आ चुकी है। तो देखिए एफआईएस भी एक इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हालांकि अभी भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 41.59% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के द्वारा होल्डिंग थोड़ी बहुत गिरी हुई जरूर है, 14.06% की होल्डिंग गिरी हुई है। 8 FIIs इसमें इन्वेस्टेड है, 8 FIIs ने अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल होल्डिंग 19.9% की इसमें है और देखिए डिविडेंड पे कर रहा है ये, 10% का डिविडेंड पे कर है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। स्कूमा एक्सपोर्ट के बारे में अगर मैं मनी कंट्रोल में जा रहा हूँ तो मनी कंट्रोल में अगर मैं सबसे पहले इनके फाइनेंशियल को देखूँ तो इनके ऊपर कर्जा ना के बराबर है, सिर्फ 45 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जो उतना ज्यादा मैं इसको नहीं मानता क्योंकि इनके नेट सेल्स 500 करोड़ से ज्यादा के हैं। नेट प्रॉफिट भी अभी मुझे 11 करोड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना कर्जा जो है वो उतना मैटर इसमें नहीं करता। 215 करोड़ से
के आसपास के इनके पास टोटल असेट्स भी पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल देखिए इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ है इसमें, ग्रोथ है। और अब एफआईज भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, पॉजिटिव एफआईज भी इसमें दिखाई दे रहा है। और हर साल इसने पैसा बना कर दिया है, हर साल इसने पैसा बना कर दिया है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई छोटा शेयर ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्कूमा एक्सपोर्ट आपके लिए एक बढ़िया बाई हो सकती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट भी रहेंगे तो अगर आप एक साल की भी अगर मैं बात करूँ तो एक साल में मुझे मुझे लग रहा है कि ये शेयर 30 से 40% अप भी जा सकता है ये शेयर। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको इसमें खरीदारी करनी है या नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।